हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आकृति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ठंडियों का मौसम आ गया है और इजली मार्केट में पालक भी मिल जाता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ पालक के पकौड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो क्रिस्पी और टेस्टी पालक के पकौड़े बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, तो चलिए हम बनाते हैं। पालक के पकौड़े बनाने के लिए मैंने 2 बंडल पालक लिया है। वजन से बोलूं तो ये 400 ग्राम है। इसको मैंने काट के अच्छे से वाश कर लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे गरम मसाला 4 चम्मच और इसमें 1 चम्मच हल्दी भी ले लिया है। पकौड़े बनाने के लिए मैंने चना के बेसन का यूज किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के मिलाएंगे, हमें एक ही बार में सारा बेसन नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डाल के हमें मिलाना है। इसमें मैं पानी थोड़ा भी नहीं ऐड करूँगी। हमें टाइट बैटर ही तैयार करना है, क्योंकि हम नरम कर देंगे पानी डाल के तो फिर ये तेल सोखने लगेगा और हमारे पकौड़े क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रख के पालक के पकौड़े बनाएंगे तो पालक के पकौड़े बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो देखिए, हमने बेसन को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे 1 चम्मच। इसके बाद 1/2 चम्मच हींग ऐड करेंगे। और 1 चम्मच नमक, नमक हमें अपने टेस्ट के अनुसार डालना है। एक बार फिर इन सबको अच्छे से मिला लेना है। देखिए, बैटर देखने से ही टाइट लग रहा है, तो मैंने नमक इसमें मिला दिया है। तो थोड़ी देर बाद सेट हो जाएंगे अच्छे से और बैटर सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हम डालेंगे मिर्च और लहसुन, जिसको हमने काट के रख लिया था। अब इसको भी हम बैटर में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, हमने कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च को अच्छी तरह से मिला लिया है और बैटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम पकौड़ों को तलेंगे। तेल हमने रख दिया है, तेल गर्म हो रहा है, तो चलिए फटाफट से हम पकौड़ियों को तल लेते हैं। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम पकौड़ों को तलेंगे। कम फ्लेम पे हमें पकौड़ियों को नहीं तलना है, वरना हमारी पकौड़ियाँ क्रिस्पी नहीं बनेंगी और ज़्यादा तेल भी सोखेंगी। इन्हें हल्के हाथों से चलाते हुए हमें अच्छे से पका लेना है। हमें पकौड़ियों को तब तक तलना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। पकौड़ियों को अच्छी तरह से चलाते हुए हमने पका लिया है और देखिए ये कैसे गोल्डन ब्राउन दिख रही हैं। हमें ऐसे ही पकौड़ियों को बनाना है। तो चलिए हम इसको अब निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो देखिए, हमें ऐसे ही सारी पकौड़ियाँ तल लेनी है। और एक पकौड़ी मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी बनी है और कितनी क्रिस्पी। देखने से ही पता लग रहा है कि ये कितना टेस्टी बना है। मैंने आपको घर पर पालक का पकौड़ा बनाने का इजली रेसिपी शेयर किया है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर पे अपने मेहमानों को ज़रूर एक बार पालक का पकौड़ा बना कर खिलाएं।
और आकृति की रसोई को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने पालक के पकौड़े कैसे बनाए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।